नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेंगे। शाम को राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, लेकिन तेजस्वी ने समारोह में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार का केयरटेकर सीएम नीतीश कुमार आज सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लगातार चौथी बार बिहार के सीएम बनने जा रहे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एनडीए के कई दिग्गज नेता और सीएम भी शामिल होंगे। नीतीश के साथ जेडीयू और बीजेपी से छह छह नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी की तरफ से नीतीश के साथ आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों को बिहार में डिप्टी सीएम की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश के सबसे करीबी सुशील कुमार मोदी का फिर से डिप्टी सीएम बनने का सपना टूट गया है। रविवार को सीएम आवास पर हुई एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद नीतीश अपने काफिले के साथ राजभवन पहुंचे और गवर्नर फागू चौहान को 125 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। पटना के राजभवन के मंडपम में शाम 4:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के पुराने मंत्रिमंडल में शामिल रहे 13 विधायकों को मंत्री बनाने का फैसला हुआ है। पुराने मंत्रियों में से 8 को नीतीश कुमार के साथ ही शपथ दिलाई जा सकती है। नीतीश के साथ 8 सदस्य मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम बनेंगे। नीतीश के करीबी सुशील मोदी डिप्टी सीएम की रेस से बाहर। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी पहली बार मंत्री बनेंगे। हम पार्टी से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी भी शपथ लेंगे। एनडीए में 74 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद नीतीश कुमार के हाथों में एक बार फिर से बिहार की कमान सौंपने वाली बीजेपी की नजर विधानसभा के स्पीकर के पद पर भी है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्री शामिल हो सकते हैं। और नीतीश कुमार के साथ इस बार एक नहीं बल्कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। उनके दोनों डेप्यूटी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी से हैं। माना जा रहा है कि ये कमजोर पड़ चुकी जेडीयू पर बीजेपी के दबदबे का सबूत है। तारकिशोर सिंह से बात की है TV9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार ने, ये कहा उन्होंने। बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आपको फोन आया था और उन्होंने कहा कि आप उनके साथ अगले उप मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, क्या क्या बातें हुई नीतीश कुमार जी से? उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की बात कही, तो स्पष्ट है नेता का संकेत है कि हम उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे आपकी पार्टी से भाजपा के? जी हाँ, जो जानकारी है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी, और रेणु जी पहले पूर्व में भी मंत्री रही हैं और हमारे कद्दावर नेता हैं चंपारण की, तो स्वाभाविक है और अति पिछड़े समाज से आती हैं, तो वो इस रूप में शपथ लेगी तो महिलाओं के प्रति एक सम्मान होगा जो आधी आबादी है, और भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। अच्छा, कैसे तो नीतीश कुमार से कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, क्योंकि माना जाता रहा है कि सुशील मोदी और नीतीश की जोड़ी एक दूसरे के पूरक रहे हैं अब तक सरकार में, अब क्या उसी भूमिका में तारकिशोर प्रसाद जी रहेंगे? चलिए ना, जोड़ी की क्या बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना है और मेरा जो दायित्व होगा हम उस दायित्व में काम करेंगे, और जहाँ तक रहा संवाद और उनके साथ काम करने का, तो 15 वर्षों से तक कर ही रहे विधायक। क्या भाजपा ने यह फैसला इसलिए लिया है कि सरकार पर और नीतीश कुमार पर अंकुश या नियंत्रण रहे? नहीं नहीं, देखिए मोदी को बात नहीं, वो हमारे हमारा हमारे हमको उनके नेतृत्व में काम करना है, इसमें अंकुश की कोई बात नहीं है, सब लोग अपने अपने दायित्व में काम करेंगे, इसमें अंकुश की तो कोई बात। सातवीं बार बिहार का ताज तो नीतीश पहन लेंगे, लेकिन इस ताज में कांटे भी बहुत होंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ साथ मजबूत विपक्ष उन्हें चैन से बैठने नहीं देगा। बिहार में सातवीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार की राह बिहार में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने से आसान नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 74 सीटें जीतने और जेडीयू के 43 सीटों पर सिमट जाने से नीतीश के सिर सीएम का सजने वाला ताज कांटों भरा होगा। ऊपर से बीजेपी कोटे से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाने से नई सरकार में सुशासन बाबू नीतीश का रोल बहुत सीमित दिखाई देगा। सातवीं बार सीएम बनने जा रहे नीतीश कुमार को सातवीं शपथ लेने के बाद इन 7 सवालों से जूझना पड़ेगा। सातवीं शपथ, 7 सवाल।
क्या बिहार में दो डिप्टी सीएम की तैयारी नीतीश पर कड़ी चौकसी के लिए है? सातवीं बार सीएम बनने जा रहे नीतीश के पास इस बार पावर बहुत कम होगा। नीतीश की सातवीं शपथ क्या जेडीयू के लिए अग्निपथ की तरह है? सरकार तो नीतीश की रहेगी, लेकिन क्या अब सरकार में बीजेपी की चलेगी? क्या नीतीश तैयारी सुशील मोदी पर पड़ी भारी और कुर्सी गवा बैठे? 19 लाख रोजगार समेत बाकी बड़े बड़े वादे कैसे पूरा करेंगे नीतीश कुमार? माहौली बहुमत के साथ सीएम बने नीतीश कुमार को आने वाले समय में छोटे दल करेंगे परेशान? बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी निगरानी में काम करने के साथ विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीजेपी को मिलने से नीतीश कुमार की आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ेगी। भविष्य में जब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब नीतीश सरकार में कुल 36 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिसमें संख्या के लिहाज से बीजेपी कोटे से 21 मंत्री, वहीं जेडीयू कोटे से सीएम समेत 13 मंत्री शामिल होंगे, जिससे सरकार में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। बिहार में 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के विधायक भी विधानसभा से लेकर सड़क तक नीतीश सरकार से चुनाव में जनता से किए गए वादों का हिसाब मांगकर आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी महागठबंधन को मिली हार से कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। हद तो यह है कि खुद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल सोनिया और राहुल को जिम्मेदार बता रहे हैं। मैंने आप जो है राहुल यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। आरजेडी के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के खिलाफ ये बयान देकर बिहार से दिल्ली तक सियासी बवाल मचा दिया है। बिहार में एनडीए के हाथों मिली हार के बाद आरजेडी महागठबंधन में सिर फुटावल जारी है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 70 प्रत्याशी उतारे, लेकिन 70 रैलियां भी नहीं की। राहुल सिर्फ 3 बार प्रचार के लिए आए, प्रियंका तो नजर भी नहीं आई। कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ती है और कम सीटें जीतती है। कांग्रेस देश भर में गठबंधन सहयोगियों पर बोझ बनती जा रही है। कांग्रेस की वजह से हर जगह महागठबंधन का खेल खराब हो रहा है। शिवानंद तिवारी के राहुल गांधी पर जुबानी हमले का कांग्रेस जवाब दे पाती, उससे पहले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने इशारों में बिहार विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सिर फोड़ दिया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि बिहार चुनाव और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आए। शायद उन्हें लगता हो कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल उन 24 दिग्गज कांग्रेसी नेताओं में शामिल रहे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को खुला खत लिखा था, जिस पर कांग्रेस कार्य समिति की अगस्त में हुई बैठक में जमकर बवाल मचा था। राहुल गांधी ने खत लिखने वाले नेताओं को बीजेपी का सहयोगी तक बता दिया था। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने भी बयान दिया था कि बिहार चुनाव परिणाम पर पार्टी के अंदर मंथन होना चाहिए। बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 19 सीटें ही मिली हैं, जबकि आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत का पताका फहराया है। और अब बात देश के दुश्मनों की। भारत से टकराने का अंजाम कितना भयंकर हो सकता है, चीन को एहसास होने लगा है। अब हिंद महासागर में ब्रह्मोस गरजेगा तो ड्रैगन पनाह मांगेगा। ये ब्रह्मोस है, भारत का ब्रह्मास्त्र, यानी इसके सामने आने वाले दुश्मन की मौत तय है। बॉर्डर पर चीन से तनाव के बीच भारत इस महीने के आखिर तक ब्रह्मोस मिसाइल का ताबड़तोड़ टेस्ट करेगा। ये टेस्ट हिंद महासागर क्षेत्र में किए जाएंगे। जल थल नभ हर मोर्चे पर भारत खुद को मजबूत कर रहा है, क्योंकि चीन जो कहता है वो करता नहीं और जो करता है वो कहता नहीं। ऐसे में भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा है। डीआरडीओ के मुताबिक इस महीने के अंतिम सप्ताह में ब्रह्मोस का परीक्षण होगा। एक नजर डालिए इस ब्रह्मास्त्र पर। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज गति से मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल की स्पीड 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत में होने वाले परीक्षण से सेना को मिसाइल के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी। यानी चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का शक्ति प्रदर्शन करने को तैयार है। तीनों सेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम के कई टेस्ट को अंजाम देंगी। हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न टारगेट पर ब्रह्मोस के कई टेस्ट किए जाएंगे। बीते 2 महीने में डीआरडीओ ने नए और मौजूदा शौर्य मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो 800 किलोमीटर की दूर तक लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है। ब्रह्मोस की ताकत अपरिमित है, असीमित है।
ये बात इससे समझी जा सकती है कि हाल ही में वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से पुराने युद्धपोत को ध्वस्त किया था। पिछले महीने नौसेना ने INS चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। पाकिस्तान ने विश्व बिरादरी को धोखे में रखते हुए गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करा दिए, तो भारत ने भी ठान लिया है कि अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने का टाइम आ गया। अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान कभी LOC पर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी चीन के साथ मिलकर नापाक हरकतें करता है, लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब मिलने वाला है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर पाकिस्तान ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया है। पाकिस्तान ने पहले गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत घोषित किया और फिर चुनावी चाल चल दी। रविवार को गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए चुनाव हुए हैं। यहां 23 सीटों के लिए चुनाव कराए गए। सैन्य कब्जे वाले क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है, जिसका कोई कानूनी आधार भी नहीं है। ऐसे में हिंदुस्तान ने भी ये ठान लिया है कि अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने का वक्त आ चुका है। इमरान कितना भी चीन के दबाव में आकर गिलगित बाल्टिस्तान पर कोई ऐलान कर दें, लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले कि अब बहुत जल्द अखंड भारत का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर पाकिस्तान ने खुद अपनी तबाही का इंतजाम कर लिया है। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पिछले दिनों गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की पाकिस्तान की घोषणा पर कहा था कि सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र की स्थिति में बदलाव करने की किसी कदम का कोई कानूनी आधार नहीं है, यानी कब्जा की हुई जमीन पर चुनाव नहीं कराए जा सकते, लेकिन पाकिस्तान को न तो अंतर्राष्ट्रीय उसूलों से कोई मतलब है और न ही कानून से कोई लेना देना है। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। नतीजों के रुझान बता रहे हैं कि इमरान खान को जीत मिलने वाली है। PPP को 4 सीट और अन्य दलों को भी 4 सीटें मिलने वाली हैं। लेकिन बाजवा और इमरान की ये हिमाकत अब बहुत भारी पड़ने वाली है और बहुत जल्द ये खबर आने वाली है कि गिलगित बाल्टिस्तान का नक्शा बदल चुका है। भारत से दुश्मनी के बीच चीन ने क्या खोया है उसे पता चलने लगा है। केवल भारत से दुश्मनी के बाद उसे अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए 20 देशों से करार करना पड़ा है। चीन को भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ा है। LAC पर बेवजह भारत के साथ तनातनी और कोरोना की मार की वजह से उसे डबल नुकसान हुआ है। दिवाली जैसे त्योहार पर चीन को हजारों करोड़ की कमाई होती थी, लेकिन इस बार चीनी उत्पाद के विरोध की वजह से उसे एक दो नहीं बल्कि 40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान की भरपाई के लिए अब वो रास्ते तलाश रहा है। इस बीच चीन के साथ साथ एशिया के 15 देशों ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों के बीच क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी यानी RCEP करार हुआ है। भारत के अलावा इस डील के तहत पूरी दुनिया की 2.1 अरब आबादी शामिल है। सदस्य देशों की GDP पूरी दुनिया की GDP की 30% होगी। माना जा रहा है कि इस डील से मूल्य कटौती में मदद मिलेगी और कंपनियों के लिए कारोबार का रास्ता आसान हो पाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि समझौते से COVID-19 महामारी के झटकों से उबरने में कई देशों को मदद मिलेगी। भारत के लिए यह समझौता अब भी खुला है। भारत इस ट्रेडिंग ब्लॉक से घरेलू विरोध के चलते पिछले साल बाहर आ चुका है। दिवाली पर देश भर में 72,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। कारोबारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT की माने तो दिवाली में चीन को तगड़ा झटका लगा है। चीन को इस बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ है। ड्रैगन को 40,000 करोड़ का बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल दिवाली में बाजार ने उम्मीद से ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन भारत से युद्ध की जिद पर अड़े चीन का दिवाला निकल गया। कोरोना के साए में भी देशवासियों ने जमकर खरीदारी की और ये अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत दे रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त हिंसा और साजिशों के बीच फंसी है। रूस और चीन ने अब अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी की है और ये बता रहा है कि वर्ल्ड वॉर की इबारत तो लिखी जा चुकी है। क्या दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का नया फ्रंट अब खुलने वाला है, क्योंकि रूस चीन और अमेरिका की हरकतें बता रही हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। जंग की पहली धमक तो कल ही महसूस की गई थी जब चीन ने अपने कोस्ट गार्ड को US और जापानी शिप पर फायरिंग की इजाजत दे दी थी। इस खबर के बाद अमेरिका की संभावित रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि अमेरिका 72 घंटे में सभी चीनी शिप को डुबोने की ताकत रखता है। दुनिया को संकट में डालने वाली चीन की एक और करतूत। अब रूस ने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एक ऐसा ऑटोनोमस ड्रोन तारपीडो तैयार किया है जो
अमेरिका के शहरों में तबाही ला सकता है। इस रूस टॉरपीडो का नाम पोसाइडन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस ड्रोन को सेना में शामिल किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने इन घातक ड्रोन टॉरपीडो का निर्माण इसलिए किया है ताकि दुश्मन के किसी बड़े हमले का करारा पलटवार किया जा सके, यानी खुद को बचाने का बहाना बनाकर दुनिया के ये देश जंग की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने बनाया खतरनाक न्यूक्लियर ड्रोन, अमेरिका को कर सकता है तबाह। समंदर में सुनामी लाने की है ताकत। रूस के पोसाइडन ड्रोन से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के डिप्टी विदेश मंत्री क्रिस्टोफर फोर्ड ने कहा है कि रूस का ये हथियार अमेरिका के शहरों को तबाह कर सकता है। जंग के दूसरे मुहाने पर चीन खड़ा है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी दिखा रहा है। चीनी मिसाइलों ने अब हजारों किलोमीटर दूर समंदर के अंदर गश्त लगा रहे युद्ध पोतों को तबाह किया है। चीन ने अपनी DF-26B और DF-21D मिसाइलों का इस्तेमाल किया। DF-21 मिसाइल अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाती है। इन मिसाइलों को कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है। जानकारों की माने तो चीन ने इन मिसाइलों को अमेरिका विमान वाहकों को निशाना बनाने के लिए बनाया है। यानी रूस और चीन मिलकर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जो पूरी दुनिया को जंग के मैदान में झोंकने के लिए काफी है। ऋषिकेश से ऐसी तस्वीर आई है जिसे पाकिस्तान के साथ पूरे देश को इसी वक्त देखना जरूरी है, क्योंकि इस खास तस्वीर में देश के लिए जज्बा है, सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये जज्बा है देशभक्ति का, जोश है भारत के बच्चे का, जिसका दुनिया लोहा मानती है। ये भारत की बेटी है जिसके मुंह से भारत माता की जय घोष से पाकिस्तान की चूले हिल गई हैं। सुन लो पाकिस्तान की सपोले, सुन लो घुसपैठियों, तुम्हारी हेकड़ी निकालने के लिए ये बेटी ही काफी है। बुजदली का पाठ ही तुम्हें बाजवा और कठपुतली सुल्तान पढ़ाएगा, घुसपैठ और जिहाद के नाम पर आतंक की सरपरस्ती सिखाएगा। कुछ अच्छा सीखना है तो इस बेटी से सीख लो। मेरा नाम दीक्षा डुभाल है। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं, इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, भारत माता की। ये बेटी है बारामूला में पाकिस्तान के नापाक हमले में शहीद राकेश डोभाल की। डोभाल का पार्थिव शरीर अंत्येष्ट के लिए पूर्णानंद गंगा घाट पर लाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। डोभाल की बेटी की बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। मेरा नाम दीक्षा डुभाल है। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं, इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूँगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।